जी, आज वृक्षारोपण के अवसर पर आपके द्वारा यहाँ कार्यक्रम शुभारम्भ किया गया है, क्या है पूरा कार्यक्रम? आज वृक्षारोपण ये पूरे हफ्ते 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसको करवा रहे हैं और आज की तारीख 4 में पूरे प्रदेश में हर गांव में वृक्षारोपण हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा एक रिकॉर्ड बनके आज पेड़ लगेंगे। ये पेड़ लग रहे हैं, जो वातावरण इतनी जल्दी बदल रहा है, गर्मी इतनी जोर से आने लगी है, पानी की जो कमी हो रही है, इस सब चीज को रोकने की कोशिश में हमारे मुख्यमंत्री वृक्षारोपण इस तरीके से कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हरा हो, अपना वातावरण साफ हो, स्वच्छ हवा मिले और स्वच्छ पानी सब जगह हम लोग को मिले। और बाह में मैं खास कहूंगी, पूरे आगरा जिले में यही एक ब्लॉक है जो डाक में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अपना जल स्तर, जमीन का जल स्तर जो है अभी ठीक है। अगर हम लोग सब इस चीज का ध्यान रखेंगे, पानी खुला ना छोड़े, उतना ही इस्तेमाल करो जितनी जरूरत है, और जो अपना पानी जो बाहर ऐसे सड़क पे या ये सब हम लोग इकट्ठा करते हैं वो वापस कहीं ना कहीं जमीन में जाए या नाला बने, आपके तालाब में जाए, तालाब में से छन के वो नीचे जमीन में ही जाएगा। तो हर प्रधान से भी निवेदन है कि तालाब आपका साफ हो, खुदे आपके नाले साफ हो और बरसात जो आ रही है पानी जो आपका आएगा सब उस तालाब में, गांव के तालाब में जाए, जल भराव बेकार में सड़क पे ना हो। बाहर क्षेत्र में कितने पौधे रोपे जाने का लक्ष्य रखा गया है? आई थिंक 80 लाख का है और हर गांव को दिए जा रहे हैं, प्रधान को दिए जा रहे हैं, ग्राम पूरे ग्राम पंचायत में जहां आपका तालाब है उसके चारों तरफ पेड़ लगाने का हो रहा है। हर गांव का जो तालाब साफ किया जा रहा है, पेड़ लगाए जा रहे हैं, उसकी शुद्धिकरण कर रहे हैं कि गांव वालों के लिए भी एक ऐसी स्वच्छ जगह होगी बैठने के लिए, खेलने के लिए शाम को, जहां आप पूरा गांव इकट्ठा हो सके और कुछ ना कुछ वहां सही चले। का पेड़ लगा रहे हैं बीजे साहब, और इसका देखभाल कौन करेगा? वो है यहाँ किसे कितनी वहाँ है गोरल है इसको पूरा भरना पड़ेगा, ये कौन करेगा? ये कर लेंगे रोजगार सेवक जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।